सूफी फिक्र में रोता है, किसने रोता है? फिक्र में, दुआओं में हम देखते हैं आप खूब रोते हैं, लेकिन ये ढाका नगर की मस्जिद में रोने वालों से अर्ज करता हूँ कि जब यहाँ से वापस जाते हो कोई शव बाजार जाता है, कोई धान कहीं और जाता है, लेकिन रास्ते में जब कोई हसीन आ जाए सामने, कोई लड़की बेपर्दा आ जाए, उस वक्त में आपको क्या करना चाहिए? यहाँ तो रो लिए और वहां निराश तो नहीं छो, ये जिक्र की ताकत तो वहां इस्तेमाल करो। एक आदमी बादाम खाता है, बादाम कौन सा काबली, ये बांग्लादेश में मूंगफली नहीं, वो बादाम जो काबुल से आता है और दूध पीता है और मुर्गी का सूप पीता है, तीन भी यानी अंडे को खाता है, लेकिन जब पहलवान उसका अब्बा ने कहा बेटा इतना खिलाया अब तो तगड़े हो गए, एक पहलवान से करो मुकाबला तो करो, तो उसने कहा अब्बा अंडा खिलाओ, मछली खिलाओ, सूप खिलाओ, पहलवानों से मुकाबला मैं नहीं करता, उसकी मैं नहीं लड़ूंगा, कभी नहीं लड़ूंगा, बस खिला खिला कर मुझको छांड दो, मुस्कंडा बनाओ, अंडा खिलाकर मुस्कंडा बनाओ, लेकिन मैं मुकाबला नहीं करूंगा, लड़ूंगा नहीं किसी पहलवान से। ये बात हजरत डॉक्टर अब्दुल्लाह साहब रहमतुल्लाह ने फरमाते कि शराब तहज्जुद जिक्र से जो रूहानी ताकत पैदा हुई, अल्लाह के जिक्र से जो रूह में ताकत आई है, इसका इस्तेमाल लड़ाई में कुश्ती में तो दिखाओ, अल्लाह ताला को ये मंजूर है, मजबूतू साबित कदम रहो, इजा लकी तुम छतन, जब जिहाद हो रहा हो तो तुम वहां हिम्मत से डटे रहो, हसबूतू बस को अल्लाह जिक्र कसीरा, और अल्लाह को कसरत से याद करो। तो अल्लाह ताला के जिक्र की कसरत से मकसद क्या है? हसबूतू है, दीन पर कायम रहो, निगाह नीची कर लो, तकवा से रहो, मत देखो उधर, जहां देखना हराम वहां ताकत दिखाओ। आपने जो जिक्र से रूहानी ताकत बनाई है, मस्जिद में इशराक पड़ी है, अल्लाह अल्लाह किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्बें लगाई हैं, ये रूहानी ताकत बनाती है, अल्लाह के नाम से आपने रूहानी ताकत बना लिया। अब जब मुकाबला आएगा सड़कों पर, अखाड़े हैं, जगह जगह कुश्ती लड़ने का मौका है नफ्स शैतान से, तो वहां इस ताकत को इस्तेमाल करो। जब आपने सही हक अदा किया जिक्र का, ताकत बना बना के रूह में, और वहां जब मौका आया, औरतें सामने आ गई, रिक्शा जा रहा या मोटर, वहां पे भी लिए, वहां इशराक और रोना सब भूल गए, ताकत को इस्तेमाल नहीं किया। ये वो पहलवान है जो बादाम खाए और दूध पिए और वर्जिश के बदन बना रहा है, मगर कुश्ती लड़ने के लिए तैयार नहीं। आप इसको क्या कहेंगे? हिजड़ा है, हिजड़ा बुलसिल है, बुलसिल। आप तारीफ करेंगे ऐसे पहलवान की, या वो क्या कहेंगे आप? इसका खिलाना पिलाना भी गया बेकार। तो जो शख्स रूहानी ताकत को नफ्स शैतान के मुकाबले में सड़कों पर, सिनेमा गाहों पर, जहां औरतें बेपर्दा हो, अभी सामने आ गई, वहां बस निगाह नहीं की करो, जिनसे जिनसे पर्दा है शरई पर्दा करो, निगाह नीचे करके बात करो। मां भी ला कहेगी क्या हो गया आज तुमको, पहले तो खूब हंसी मजाक करते थे, ये कहां से आ गए? ढाका नगर से कोई खानका किसी मुल्ला का बढ़ा पड़ गया, किस चीज ने तुमको ये मुल्ला बना लिया? उनसे कहो नहीं, अल्लाह ताला के हुक्म ही तो रूहानी ताकत को इस्तेमाल किया जाए, जहां मौका हो। अगर गुनाह से कोई नहीं बचता, इस शख्स ने अल्लाह के जिक्र का हक अदा नहीं किया,